Hello, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to start our new chapter that is Earth's Natural Satellite. जैसा कि आप लोग जानते हो, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो है प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में स्टडी की थी. तो इस चैप्टर में हम सैटेलाइट के बारे में जानेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज से अपना न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स होते क्या हैं. देखिए, सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं वो जो है स्मॉल हेवनली बॉडीज होते हैं, छोटे जो है हेवनली यानी जो आसमान में है, ठीक है, हेवन में है. तो स्मॉल हेवनली बॉडीज है जो कि किसके चक्कर लगाते हैं, किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड, प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में, है ना, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. हमारी अर्थ भी जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसको हम रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं. इससे जो पहले चैप्टर था उसमें हमने रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था. देखिए, उसी प्रकार से जैसे ये प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इन प्लैनेट्स के चारों तरफ भी कुछ हेवनली बॉडीज जो है वो घूमती हैं, ठीक है. तो जो हेवनली बॉडीज इन प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, वो उन्हीं को सैटेलाइट कहा जाता है. और ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, इसीलिए इनको स्मॉल हेवनली बॉडीज भी कहते हैं. ये छोटे हैं, ठीक है. तो सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है. सम प्लैनेट्स हैव देयर ऑन सैटेलाइट. कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनके खुद के अपने सैटेलाइट्स जो है होते हैं, ठीक है. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको जो कि है मून, है ना. और जुपिटर के हमने देखे थे कि जुपिटर के 67 मून्स होते हैं. इसी प्रकार से कई और प्लैनेट्स के पास भी जो है अपने खुद के मून होते हैं. मून का मतलब था कि वो उनके जो है नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है. आगे देखिए, ए सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट That revolve around a planet. तो satellite क्या है? Satellite is an object that revolves around a planet. Earth and other planets revolve around the sun. Earth and other planets जो हमने 8 planets पढ़े हैं, वो सभी planets revolve around the sun. वो sun के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं. But moon revolve around the earth. लेकिन जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ जो है घूमता है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इसीलिए मून को क्या कहा जाता है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है. क्योंकि ये प्राकृतिक है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, इसीलिए ये नेचुरल सैटेलाइट है. सैटेलाइट्स कुड बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. जो सैटेलाइट्स है वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक है. आर्टिफिशियल का मतलब जिनको मैन ने बनाया है, इंसान ने बनाया है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, उनको मनुष्य ने बनाया है. और वो भी क्या करते हैं, किसी प्लैनेट के चारों तरफ जो है घूमते हैं, ठीक है. देखिए यहाँ पिक में देखिए आप लोग, ये अर्थ एंड मून, ये हमारी अर्थ और अर्थ के चारों तरफ
कौन चक्कर लगा रहा है? हमारा मून, ठीक है। तो इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर अर्थ, अवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो इट इज द नेचुरल सैटेलाइट। और आप लोगों को इधर एक पिक्चर और दिखाती हूँ मैं बुक में, आप अपनी बुक में भी देखिएगा। ये है, ये सैटेलाइट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। ये मैन मेड सैटेलाइट है। और जो ये है हमारा मून, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आगे देखिए, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के जो है चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। मून इज कंसिडर्ड टू बी क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मून जो है अर्थ के बहुत ही पास है देन एनी अदर प्लैनेट्स, और किसी प्लैनेट्स के अलावा जो है मून सबसे ज्यादा पास है। आप लोगों ने जब सोलर सिस्टम का पिक्चर बनाई थी तो उसमें देखा था कि अर्थ के पास मार्स और वीनस और ये जो है दो तीन जो है आप लोगों ने प्लैनेट्स देखे थे जो कि अर्थ के पास नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे पास जो है अर्थ के सबसे पास जो है मून है, ठीक है। तो मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड घूमता है। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मून जो है वो 384,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है। सन एंड मून अपीयर टू बी ऑफ द सेम साइज। हमें यहाँ अर्थ से देखने पर जो है सन और मून एक ही साइज के दिखाई देते हैं, ऑल्दो सन इज मच बिगर, जबकि जो सन है वो ज्यादा बड़ा होता है अर्थ से, सॉरी मून से। दिस इज बिकॉज मून इज क्लोजर टू द अर्थ। ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो मून है वो अर्थ के बहुत पास है, ठीक है। मून इवन स्मॉलर देन द अर्थ। मून जो है वो तो अर्थ से भी जो है साइज में बहुत ही छोटा होता है। तो आज आप लोगों को यहाँ तक इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, ठीक है।